नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका फोर फोर स्टफ़ में तो किया करेंस जो है पहले वो आउटर से रिवील हुई बाहर की जो है वे रिवील हुई थी तो उसके बाहर के फीचर्स है सोलह इंच के अलॉय वलॉयज़ और बाहर से किस तरह का लुक होने वाला है सेवन सीटर जो है किया की तरफ से ये ऑफरिंग है जो कि कंपीट करेगी डायरेक्टली अल्कज़ार से एम जी हेक्टर प्लस से एक्स सिक्स से एक्स सिक्स जो है उसका भी एक फेस लिफ्टेड वर्जन भी जो है 2022 में आएगा तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड है तो आपको वेट करना चाहिए उसके लिए भी अब बात करें किया करेंस की तो 15 तारीख से जो है इसकी बुकिंग्स चालू हो जाएगी गाड़ी दिखने में काफ़ी अच्छी है बहुत ज़्यादा जो है इंस्पायर्ड लगती है किया सेल्टॉस और किया सेनो सोनेट दोनों के जो फ्रंट लुक है वो तो काफ़ी हद तक उससे इंस्पायर्ड लगता है इसका जैसे अगर हम फ्रंट में एलईडी लाइट्स देखें क्रोम स्ट्रिप देखें अगर प्रोजेक्टर हेड लैम्प्स देखें या रियर सेक्शन देखें तो उसमें भी जैसे लॉन्ग रनिंग एल टेल लैम्प्स हैं तो ये भी जो है उससे इंस्पायर्ड है हालांकि इसके जो है शेप अलग है लुक अलग है लेकिन साइड से देखें तो थोड़ा थोड़ा सेल्टॉस जैसे ये जो बाहर में साइड की तरफ आ रही है सी पिलर की तरफ जो है लाइट एक्सटेंड होके आ रही है बात करें तो इसमें जो है हमारे पास 16 इंच के अलॉयज देखने को मिलेंगे फीचर्स से फुली पैक्ड है गाड़ी तो फीचर्स तो जैसे किया सोनेट में और किया सेल्टोस में हमने देखा दुनिया भर के हैं इसी वजह से जो है ये गाड़ियाँ इतनी बिक भी रही हैं क्योंकि फ़ीचर्स से फुली लोडेड हैं लुक्स में बहुत अच्छी हैं और एकदम मॉडर्न टाइप के जो है स्टाइल और फीचर्स के साथ जो है फुली लोडेड रहती हैं और प्राइसिंग जो है बहुत कॉम्पिटिटिव रखी जाती है तो इसी वजह से जो है इतनी पॉपुलर हो रही हैं किया की गाड़ियाँ और अच्छी खासी जो है सेल्स भी इनको देखने को मिल रही है तो अगर रियर लुक देखें हम ध्यान से तो रियर लुक जो है इसका काफ़ी अच्छा है मॉडर्न है और सिंपल है ज़्यादा फ्लैशी नहीं है टेढ़े मेढ़े जो है फ़ालतू के कर्व्स नहीं है वो सब चीज़ें नहीं है काफ़ी एलिगेंट सा लुक है फ्रंट लुक भी ऐसा ही है क्रो काफ़ी सारी क्रोम ट्रीटमेंट है और काफ़ी सारा जो है एलईडी लाइटिंग और ब्लैक एंड क्रोम ट्रीटमेंट जो है देखने को मिल रहा है एयर बैग जो है इसमें आएंगे ए बी एस ई बी डी एस सी ये सब चीज़ आपको देखने को मिलेगी सिक्स सीटर और सेवन सीटर दोनों जो है इसमें वर्जन होंगे वेंटिलेटेड सीट्स होंगी म्यूजिक सिस्टम तो सभी गाड़ियों में मोस्टली आजकल अच्छा आता है बड़ा टेन इंच का आपको जो है इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा और किया के ये जो फ़ीचर्स होते हैं ऐप से और फ़ोन से स्टार्ट होना कनेक्ट होना बहुत सारे लाइटिंग मोड्स और सिटी राइडिंग और इको मोड और ये सब आपको देखने को मिलेंगे जो इंटीरियर है काफ़ी इंप्रेसिव है सुंदर है इंटीरियर गाड़ी का अगर साइज़ के बारे में बात करें तो साइज़ में जो है ये एम जी हेक्टर प्लस अल्कज़ार दोनों से ज़्यादा लंबी है व्हील बेस तो इसका इनोवा क्रिस्टा से भी लंबा है हालाँकि उतना ज़्यादा स्पेस इसमें ऑफर नहीं होएगा ये सब गाड़ियाँ जो है नॉर्मल सिक्स और सेवन सीटर होती हैं इनमें बहुत ज़्यादा स्पेस आपको नहीं देखने को मिलता जैसे कि सफारी में देखा गया जो थर्ड रो है सबसे रूमी थर्ड रो सफ़ारी की है तो इसमें जो है आप बच्चे फिट कर सकते हैं थर्ड रोज में उन्हीं उतना ही पर्पज़ होता है इनका बाकी आप बूट की तरह ही यूज करेंगे जो है थर्ड रो को तो इसमें आपको कैप्टन सीट्स भी मिल जाती हैं तो वो भी आपको जो है एक फ़ायदेमंद वाली चीज़ है कि आपको जो है सेकेंड रो में लोग कम्फर्टेबली बैठेंगे दो लोग किया करें इनके इंजन के बारे में अगर बात कर लें तो इसमें फोर्थ सिलेंडर पेट्रोल इंजन और फोर्थ सिलेंडर डीजल इंजन दोनों आते हैं पेट्रोल जो है टर्बो चार्ज भी आता है जिसमें जो नॉर्मल पेट्रोल इंजन है वो आपको देगा 115 एचपी जो टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन है 140 सौ जो कि सबसे ज़्यादा पावर आपको इस गाड़ी में देखने को मिलेगी ये मैक्सिमम है और डीजल जो है वो भी हंड्रेड एंड फिफ्टीन एच पी करता है सिक्स स्पीड मैनुअल सेवन स्पीड ऑटोमेटिक दोनों जो है आपको गियर बॉक्स देखने को मिलेंगे तो इसमें अगर आप सेवन सीटर के हिसाब से लेते हैं अगर आपको सेवन सीटर यूज़ करना है एक बड़ी फैमिली है आपकी तो आपको जो है टर्बो पेट्रोल लेना ही फ़ायदेमंद रहेगा क्योंकि जब सात लोग आप बिठा लेते हैं तो फिर जो ये डेढ़ लीटर के इंजन होते हैं पंद्रह सौ सी वाले तो ये जो है टर्बो चार्ज वाले ही आपको ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देंगे वरना जो है हाईवे क्रूजिंग और इन सब तरह की टेंस पे मतलब रोड्स पे फा, फा, हाई स्पीड में जो है मज़ा नहीं आता है फिर जो बड़े साइज़ की गाड़ियाँ हैं और ओवरलोडेड हैं तो वो गाड़ियाँ जो हैं टर्बोचार्ज हों या वो अराउंड 140 130 वन इतनी पावर दें तो वो बढ़िया रहता है 115 जो है आपको फिर हल्का महसूस होएगा एक सेवन सीटर एस अगर आप लेते हैं एस तो इसको नहीं कहेंगे एम है ये लेकिन फिर भी क्योंकि साइज़ इसका ऐसा है और अब हमारे इंडिया में जो है एक हैच बैग भी एस की तरह ही यूज़ करी जाती है तो इसीलिए जो है फिर इसका जो है टर्बो पेट्रोल जो है सबसे बढ़िया जो है अगर आपको परफॉर्मेंस देखनी है आपको लोडेड चलना है फैमिली के साथ तो टर्बो पेट्रोल ही आपका ऑप्शन होना चाहिए जो फीचर्स तो इसमें काफ़ी सारे हैं जैसे कि मैंने आपको बता दिए अब चौदह तारीख से जो है इसकी बुकिंग्स चालू हो जाएगी प्राइसिंग की अगर हम बात कर लें तो प्राइसिंग इसकी रखी जानी है पंद्रह से बीस लाख के बीच में तो देखते हैं कि ऑन रोड प्राइस किस हिसाब से रहेगा और स्टार्टिंग में जो है कितने फीचर्स मिलेंगे जो स्टार्टिंग बेस मॉडल होगा गाड़ी का और और अपडेट्स के लिए बने रहिए चैनल के साथ मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को करना मत भूलना आप मास्क लगा लो सेफ रहो मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में दोस्तों जय हिंद